इल्विस यादव भर्सेस दुर्गराथी। आज हामी कुरा गर्नेछौँ इल्विस भर्सेस दुर्ग। सबैलाई थाहा छ होला, दुर्गले इल्विसलाई धेरै अगाडिदेखि नै पोक गरिरहेका थिए र अहिले इल्विसले भने फाइनली भिडियो अपलोड गरेका छन् जसमा 11 मिलियनभन्दा बढी भ्यू छ एक दिनमा। यस भिडियोमा म न त कुनैको सपोर्टर बनेर भिडियो बनाउनेछु, न त म कुनैको फ्यानले, किनभने रियल लाइफमा आइएम अ बिग फ्यान अफ बोथ अफ देम। इल्विसको नयाँ भिडियोमा इल्विसले स्मार्ट मुभ गरेका छन्। उनले ध्रुवको एडिटिङ, ब्याकग्राउन्ड, कन्टेन्ट भन्ने तरिका सम्पूर्ण सेम बनाएका छन्। यस भिडियोमा इल्विसले धेरैको फेस रिभिल गरेका छन् र उनको टिमले ध्रुवमाथि यति डिप रिसर्च गरेका छन् कि सम्पूर्ण कुरा भिडियोमा बनाएका छन्। सो आई रिक्वेस्ट यु टु वाच दिस भिडियो। इल्विसले ध्रुवराथीलाई उनको सम्पूर्ण कामहरू रिसर्चदेखि लिएर सबै काम उनको टिमले गर्ने गरेको र उक्त स्क्रिप्ट ध्रुवलाई दिने गरेको र उनको काम भने पढेर सुनाउने मात्र भएको भनेर भनेका पनि छन्। बाँकी तुम्हारी मर्जी है, अब थोड़ा नहीं, अब प्यार से बात करेंगे। इसने रफेल डील के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उनके ऊपर गूगल एड्स भी लगाए थे, खूब शेयर करवाई थी वीडियो, आम आदमी पार्टी से जुड़ के भी बहुत सारी वीडियोस इसने डिलीट कर ली, ट्वीट्स डिलीट कर लिए, बट हम खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। और जो जो मैं चीज बोल रहा हूँ भाई, अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पीछे चल भी रहा होगा क्योंकि बढ़िया सेटअप कर रखा है इस बारी। तो हम बात करते हैं भाई, इसने क्या करा, इसने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो बनाई जिसके अंदर इसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडर्स को कंपेयर करा और बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे 0 क्रिमिनल केसेस हैं, और कंपेयर करा बीजेपी वालों से और बताया उनके ऊपर 63 क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम ना डेटा की बात करेंगे क्योंकि हमारे ध्रुव भाई डेटा बहुत करते हैं, तो डेटा के ऊपर लेके आते हैं अब चीजें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ भारती जी के, ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं और इनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और हमारे ध्रुव भाई ने दिखाया कि 0, एक भी केस नहीं है, 0। देखो इनके ऊपर जो जो केसेस हैं वो डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पे दिख जाएगी। मैं डीप नहीं जाऊंगा कि इन्होंने किसको प्रोस्टिट्यूट बुलाया, कौन सी लड़की के साथ, वो सारी चीजें भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि ये सब डेटा इधर दिखा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 13 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे 2020 में, जो कि आप मीटर देख रहे हो, इधर मीटर रेड पे जा रहा, देख रहे हो। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, अब धीरे धीरे करके आपको वीडियोस में पता लगेगा। देखो ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि क्या ध्रुव भाई हमारे न्यूट्रल हैं, जैसा उन्होंने बोला कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, ना मैं कभी जुड़ा था ना कभी जुड़ूंगा। ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी होगी कि हमारे ध्रुव भाई कितने न्यूट्रल है। की तरफ आते हैं, जो सेकंड पॉइंट है कि हु इज बिहाइंड ध्रुव राठी, मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल स्किप ना करा जाए और एक एक पॉइंट एक एक डॉट जोड़ा जाए। आप लोग बहुत समझदार हो, किसी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस के मत रहना भाई। गूगल आप सभी लोगों का है, उस पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, आर्टिकल कोई भी देख सकता है। तो जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको बड़ी ध्यान से सुनना। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। पर उसके बाद कोई नहीं, ध्रुव भाई थोड़ा उदास होने का टाइम आ गया क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, कई लोगों के कान खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो अब ध्यान से सुनना। तो जो हमारे आदिल अमन भाई है ये थोड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, समझ रहे हो, इस पे गौर करने वाली बात ही है। भाई साहब हमारे एक फेसबुक कॉमेंट में लिखते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हर इंसान का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई बात नहीं भाई, भाई ने बोल दिया। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है ये विदेश से आए हैं, ये कीड़े हैं और इनको सबको मार देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि आदिल अमन और ध्रुव राठी सिर्फ एक फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप लोग गलत हो, ये लोग साथ में प्रोटेस्ट भी प्लान करते हैं। डेट है 24 अगस्त 2019, इसके अंदर हमारे ध्रुव भाई एक पोस्ट शेयर करके कहते हैं कि उनको 50 से 100 लोगों की जरूरत है ब्राजील के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये जो प्रोटेस्ट होता है ये आदिल अमन ही लीड कर रहा होता है, और 3 दिन बाद बच्चे सारे पहुंच जाते हैं ब्राजील एम्बेसी के बाहर में और प्रोटेस्ट करते हैं। और आप चौंक जाओगे सुन के कि ये बच्चे
कौन सी संस्था के हैं? संस्थाएं हैं SFI और DYFI। जिनको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, गूगल तुम्हारा है यार, गूगल पे सर्च करो, न्यूज पढ़ो, पता लग जाएगा। और वो वाले आर्टिकल से पढ़ना जो सही वाले हों।